ज हम आर यू ऑल होपफुली सारे ठीक ठाक हो गए तो जनाब आज मैंने निकाली हुई है डीप क्लीनिंग ऑफ my किचन तो आप देख सकते हैं सारा जो रैक है वो मैंने खाली करवा दिया और ये पहले ब्लैक कलर का था तो मैंने इसे फर्नीचर से मैच यानी कि इसे ब्राउन कलर करवा दिया ताकि एक जैसा ये लगे और अच्छा लगे और अब आप देख सकते हैं इसमें मैंने मैट्स जो है वो कट करके बिछाए और फिर अब यहाँ पर जो है रुखसाना खाला आए हुए थे जो कि मुझे क्लिनिंग करके दे रहे हैं जब भी डीप क्लिनिंग घर की जब करनी है तो ये आ जाते हैं ये इस सिटी में नहीं रहते नांदेड़ सिटी में रहते हैं हमारे सिटी में नहीं रहते लेकिन जब भी, भी आते हैं स्टे करते हैं एक दो दिन और फिर उस टाइम में बहुत अच्छे से हमारे जो सारे काम होते हैं वो कर देते हैं तो यहाँ पर उन्होंने पहुँच कर दे रहे हैं मुझे सारे डब्बे और बहुत सारे वॉश करके भी दिए जो बर्तन खाली थे तो जैसे जैसे रुखसाना खाला ने क्लीन करके दिए मुझे बर्तन वैसे वैसे मैं उन्हें रैक में जमाती गई तो आप देख सकते हैं हमारा सारा जो रैक है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुका है और जन्ना वीडियो शूट करने वाला कोई और नहीं था डेट्स वाई मैंने इतना ज़्यादा शूट नहीं किया जितना हो सकता छोटे छोटे क्लिप्स ही शूट किए और ये रुकसाना खाला जब शादियाँ वगैरह भी होती हैं हमारे घर में तब उस टाइम भी आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है और अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही सी रेसिपी यानी कि हैदराबाद की स्पेशल रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बिरयानी वगैरह के साथ बहुत ही मज़े से खाई जाती है रोटी के साथ भी बहुत ही लजीज लगती हैं और ये है मिर्चों का सालन ये मोटे जो मिर्चें होते हैं उनसे बनाया जाता है और बहुत ही लजीज मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है मुझे तेज़ खाने बहुत ज़्यादा पसंद है तेज़ चटपटे तो हम लोग ने फरमाइश से हमारे हैदराबादी आंटी यानी कि मेरे सिस्टर इन लॉ के सासू मोम से बनवाया था वो आई हुई थी तो मैंने कहा क्यों ना इसे शूट किया जाए ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाए तो चले देखते हैं अल्लामकम है। जी तो आज मेरे घर में बन रहा है हैदराबादी मिर्चों का साग तो ये हैदराबाद के स्पेशल है। जो है हमारे आंटी वो बना रहे हैं है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर लूँ तो ये क्या क्या है आंटी <स्थाथ> हरी मिर्ची है मोटी मोटी हरी मिर्ची हरी मिर्ची है मोटी और कोकोपरा फली के बीज है ये ये तिल है धनिया जीरा है ये ये है प्याज है तली प्याज है अच्छा यहाँ पर आंटी तिल और क्या है तिल धनिया जीरा तिल धनिया जीरा तीनों को पीस रही है कितना कितना लिया अंदाजे से लिया ना अंदाजे से बड़ा चम्मच छः सौ ग्राम के ठीक है हाँ ठीक है ग्राइंड कर रहे हैं ग्राइंड कर हाँ। कर लो। तो धनिया जीरा एंटिल के अलावा हमने बाकी के स्पाइसेस को रोस्ट करके अच्छे से ग्राइंड कर लिया था अब बाकी सिर्फ यही था यानी कि धनिया जीरा एंटिल तो वो हमारा चल रहा है हम इसे ग्राइंड करेंगे थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करके और यहाँ पर हमने इमली भी बॉईल कर ली है ताकि इसका अच्छे से पल्प निकाल कर यूज़ कर सके और टमाटर को भी अच्छे से कट करके रख दिया है और अब इस धनिया ज़ीरा एंडिल में थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करके हम इसका एक अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लेंगे तो खैर वाटर ऐड करके आंटी इसे अच्छे से ग्राइंड कर रही है तब तक मैं आपको मिलाती हूँ रुखसाना खाला से जो कि बर्तन वॉश कर रहे हैं ये हमारा <laughs> ये स्पेशल आय है नांदड़ से <laughs> जनाब ये देखिए टी वी वॉल जो कि किचन से नज़र आती है बहुत ही ज़बरदस्त हमने पिंक कलर का उसे टेक्सचर दिया है और जनाब हमारा जो धनिया ज़ीरा एंड तिल का पेस्ट रेडी हो चुका है अब हमने इसे एक बाउल में निकाल देना है और इसके बाद हमने पीनट्स एंड कोकोनट यानी कि खोपरा और फली प्लस हमने प्याज यानी कि फ्राइड अनियन ये तीनों चीज़ों को हमने ग्राइंड कर देना है नॉर्मल हमारी जो डेली यूज की जो मसाले होते हैं वही जैसे कि खोपरा फली और प्याज़ तो खोपरा और फली जो है वो हमारा रोस्टेड होनी चाहिए यानी कि भुनी हुई होनी चाहिए और प्याज़ जो है वो फ्राइड यानी तली हुई तो इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से पेस्ट एक स्मूथ बना लेंगे तो पहले हम जो पीनट्स एंड कोकोनट है उसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे देन हम उसमें ऐड करेंगे तली हुई प्याज़ और उसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो खैर इन तीनों का भी पेस्ट अच्छे से रेडी हो जाएगा और फिर इसे भी हम सारे मसालों में शामिल कर देंगे तो हमारे सारे मसाले रेडी हैं यानी सारे मसालों का हमने ग्राइंड करके अच्छे से पेस्ट बना लिया है इसमें शामिल है तिल धनिया ज़ीरा खोपरा फली और प्याज तो हमारे सारे पिसे हुए मसाले रेडी हैं साथ में हमारी मिर्ची भी हमने निकाल कर रख दी है और टमाटर को भी कट करके रख दिया है साइड में अब हमने स्टार्ट करना है प्रोसीजर तो अब हम क्या करेंगे एक वेसल लेंगे उसे चूल्हे पर रख देंगे और उसमें डालेंगे ऑयल और ऑयल को हमने अच्छे से गर्म होने देना है और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम उसमें जो भी चीज़ें आंटी ऐड करती जाएंगी मैं आप लोगों को बताऊंगी बिकॉज़ मुझे रेसिपी नहीं पता है मैं खुद आप लोगों के साथ ही आंटी से ये सीख रही हूँ तो जनाब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है अब आंटी इसमें ज़ीरा फ्राई करेगी बघार के लिए और फिर उसमें मिर्ची भी फ्राई कर लेगी तो ज़ीरा बहुत ही अच्छे से फ़्राई हो चुका है अब हमने इसमें ऐड करना है मिर्ची और मिर्चों को भी हम बहुत ही अच्छे से फ़्राई कर लेंगे तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर एक प्लेट से ढक देंगे ताकि हमारी मिर्चें बहुत ही अच्छे से फ़्राई हो यानी कि फ़्राई होने का जो प्रोसीजर है वो फटाफट से हो जाए और फास्ट हो जाए तो जनाब अब हमने क्या करना है जो हमने सारे मसाले पीसे थे और एक बाउल में ऐड किए थे सारे मसालों को उसमें हमने ऐड करना है नमक मिर्च और हल्दी प्लस जिंजर गार्लिक का पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब जनाब हमने क्या करना है जिन मिर्चों को हमने फ्राई करने के लिए चूल्हे पर रखा था उसे हम बीच बीच में एक दो बार चेक करेंगे और इस तरह से स्टरिंग करेंगे ताकि ये जले ना और फिर जनाब जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर हम इसे प्लेट में निकाल देंगे और उसी ऑयल में हमने क्या करना है जो मसाला मिक्स रेडी किया है उसे फ्राई कर देंगे तो हमने ऑयल में सारा मसाला मिक्स भूनने के लिए डाल दिया है मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड कराती हूँ कि इसमें क्या क्या मसाले हैं तो नमक मिर्च अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह तो मैंने अभी आप लोगों के सामने ही मिक्स किया और जो मेन मसाला है वो है धनिया जीरा तिल खोपरा फली और प्याज़ तो ये सारों का ये मिक्सचर है और बाकी रहता है गरम मसाला तो वो हम अभी ऐड कर देते हैं तो खड़ा गरम मसाला ही ऐड करेंगे जिसमें हमने लिया है शाजीरा और तीन चार लौंग और एक खलमी का टुकड़ा प्लस एक तेज़ पत्ता तो इन सारी चीज़ों को भी हम इसमें डाल देंगे और इसे जब तक के हमें भूनना है तब तक के इसकी कच्ची स्मेल नहीं चली जाती और जब ये अच्छे से भुन जाए तो फिर हमने इसमें ऐड करना है टमाटर तो पहले हम इसे अच्छे से भून लेते हैं तो आठ दस मिनट तक लगातार अच्छे से भूनने के बाद जनाब हमारा जो मसाला है वो बहुत ही अच्छे से भून चुका है यानी कि इसमें बिल्कुल भी कच्चे स्मेल नहीं आ रही है अब हम इसमें क्या करेंगे जो टमाटर हमने कट करके रखे थे वो हम सारे ऐड कर देंगे और फिर इसे हमने जब तक के भूनना है जब तक के जो टमाटर है वो सॉफ्ट नहीं हो जाते यानी कि गल नहीं जाते और इसमें मसाले में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते तो फिर ये जनाब तीन चार मिनट तक हम इसे अच्छे से भूनेंगे और ये अच्छे से आप देख सकते हैं कि गल चुके हैं और अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और अगर ऑयल इसमें अगर कम पड़े तो आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं और मसाले भी सॉल्ट और मिर्ची वग़ैरह जो भी चीज़ें आपने ऐड करना है आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं तो पाँच सात मिनट तक अच्छे से भूनने के बाद आप देख सकते हैं कि ऑयल भी हमारा परफेक्ट हो चुका है हमने थोड़ा सा ऐड किया था ऊपर से और फिर जनाब हमारे टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं और कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आया है अब हम क्या करेंगे इसमें जो मिर्च हमने ऐड फ्राई की थी वो ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जनाब जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे इमली का रस और इमली का रस शामिल करने के बाद आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा पतला हो चुका है तो फिर हम इसे क्या करेंगे थोड़ा सा ड्राई करना होगा उसके लिए हम पाँच सात मिनट तक इसे ऐसे चूल्हे पर सलाएँगे ताकि थोड़ा ड्राई हो जाए और जब ये थोड़ा ड्राई हो जाए तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो सालन है वो डन हो चुका है अब हम इसमें फाइनल चीज़ यानी कि कोरेंडर लिफ्स शामिल कर देंगे फ्रेश और फिर इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा सालन इज़ डन तो बहुत ही बढ़िया एंड परफेक्ट हमारा हैदराबादी मिर्चों का सालन इज़ डन बाय माय हैदराबादी आंटी तो यू कैन एंजॉय इट विद राइस या ऐसे ही रोटी और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर हाँ न्यू रेसिपी या व्लॉग सबसे सब पहले आप तक पहुँचे तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी या व्लॉग के साथ